हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सिंगल, आप देख रहे हैं कार लवर गौतम। तो भाई आज नेक्सा के शोरूम आए हैं, तो आज जिम्बे लॉन्च हो रही है भाई, देखने में तो भाई मस्त लग रही है। अभी देखो पर्दा हटा हुआ है तो देख रहे हैं तो भाई अच्छी लग रही है देखने में ना। तो भाई आप दिखाते हैं इसकी सेरेमनी वगैरह, मिलते वहीं पर आपको। तो अभी भाई पर्दा वर्दा ढक चुके हैं गाड़ी पर, अभी सेरेमनी वगैरह अभी हुई नहीं है, अभी होएगी। तो भाई अभी जैसे कुछ होते ना अपने बंदे देखने वाले, तो उन्होंने देख ली गाड़ी, तो अब सेरेमनी होती है, मिलते हैं आपको वहीं पर ही। तो भाई सारी मैंने वगैरह हो चुकी है, तो भाई गाड़ी की लुक आप देख सकते हैं, मस्त लग रही है देखने में ना, आगे से हमारी वाली लुक दे रही है बिल्कुल। और आपको एलईडी लाइट मिलती है वाइट, इसका थ्रो भी अच्छा है भाई, आप देख सकते हैं वाइट लाइट, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, लुक एक अलग ही नहीं देखती है प्रोजेक्टर से ना। और भाई इसके ऊपर DRL दे रखी है, जो कि मतलब बढ़िया लगती है देखने में, काफ़ी ब्राइट है इसकी DRL देखने में। साइड में आपको वही हेलोजन वो मिलते हैं इंडिकेटर इसको, और भाई इसकी जो जाली दे रखी है मस्त दे रखी है, बिल्कुल सिल्वर फिनिश में दे रखी है। और यहाँ पे आपको जो क्रोम मिलते हैं ना, ये तो ये भाई जैसे स्कॉर्पियो में इंस्पायर हो गया, जैसे स्कॉर्पियो में आए थे अभी, तो भाई देखने में लुक अच्छी देते हैं। और नीचे आपको बम्पर मिलता है पूरा मैट ब्लैक में, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी आपको अच्छी मिलती है देखने में। गाड़ी की लुक भाई मस्त बना रखी है, तो ना क्यूट, बिल्कुल क्यूट कार होती है वैसी, भाई मस्त लग रही है देखने में ना, ग्रीन कलर में तो और अच्छी लग रही है भाई ये, क्योंकि यार एक यूनिक सा कलर है, जैसे हमारे में आता है ना येल्लो ग्रीन, तो उसमें फेमस है, तो ऐसी लग रही है इंस्पायर हुई। तो भाई नीचे आपको फोग लैंप मिलता है भाई, हेलोजन आपको देखने को मिलते हैं, अगर वाइट LED दे देते ना तो अच्छा लगता, और गाड़ी की लुक यार इनहेंस होती है, मतलब एक अलग ही बड़े लगते देखने में ना वाइट लाइट, तो गाड़ी की लुक भाई मतलब एक बड़ी बड़ी सी लगती है, बल्कि जैसे थार होती है ना उसकी तरह ये, पर यार इसकी ना थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, टायर्स में छोटे छोटे दे रखे हैं। तो भाई मैं दिखाता हूँ उसकी साइड प्रोफाइल कैसी लगती है देखने में, तो ऐसी को दिखती है आपको साइड प्रोफाइल भाई, आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी लंबी है, सिर्फ थार से लंबी मिलती है आपको 5 डोर वाली है। तो टायर साइज की बात करते हैं तो भाई आपको मिलता है इसके अंदर 95/80 R15 का टायर साइज मिलते हैं, और आपको ऐसे कुछ मिलते हैं ग्रे कलर में, आपको इसके अंदर भी मस्त लगता है देखने में, मतलब यार ये थोड़ी और सी लग रही है, वैसे तो मस्त लग रही है देखने में। तो भाई साइड से देख सकते हो आप पूरी प्रोफाइल भाई, मस्त लग रही है यार, और इसकी लेंथ वेंथ है ना पीछे से भी देखना, अब ऑटो देखा दूर से दिखाई आई थी, अब तो पास में करके देख रहे हैं तो भाई मस्त लग रही है देखने में। और ऐसे भी आपको क्लाइडिंग मिलती है इसकी, आपको पूरी कोने कोने में आउटलाइन मिलेगी, इस क्लाइडिंग मिलती है जो कि ब्लैक कलर में मिलती है आपको, और इंडिकेटर पे आपको मिलता है इंडिकेटर हेलोजन भी, यहाँ पर आपको आर्मी भी देखने को नहीं मिलता। और इसका आर्मी की बात करते हैं, आपको ग्लोस फिनिश मिलता है पियानो फिनिश में, और भाई आपको ये रिक्वेस्ट चप्टन देखने को मिलता है इस साइड, और आपको नॉर्मल मिलता है ऑल्टो में मिलते हैं, वैसे ही रेंटल मिलते हैं इसके अंदर। तो भैया अंदर से दिखाते हैं आपको, तो भाई आपको इंटीरियर वही बेसिक मिल जाता है, पहले जिससे मैं आया करता था ना, तो आपको वही बेसिक मिलता है यहाँ पर देखने को, उसकी भी क्वालिटी भाई ठीक है यार इतनी ना, और यहाँ पर आपको क्रोमांडे मिलते हैं, सैलरी वगैरह मिलते हैं ना कुछ भाई, सैलरी हो गए ब्लैंड लुक हैंडल टाइप से, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे डिज़ाइन दे रखे हैं इसमें मिक्स करके, और यहाँ पर आपको स्पीकर मिलता है देखने को, और भाई आपको चढ़ना हो तो आराम से चढ़ सकते हैं, इतनी ऊँची भी नहीं है भाई, लगता है ना कितनी ऊँची है तो आपको लगती नहीं है। और भाई कर देते गेट बंद, तो भाई गेट बंद करने का साउंड देख रहे हो, मतलब भाई अलग जोर आ रहा है देख रहे हो भाई, मतलब एक अलग फील आ रहा है इसके अंदर ना। तो भाई जैसे देख सकते हैं ऐसे कुछ स्टीयरिंग दिखता है भाई, बलिनो वाला को देखने को मिलता है बेसिक सा, और यहाँ पे कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे साइड क्रूज कंट्रोल मिलता है, और बाकी यहाँ पे खुद उठाने का, मतलब भाई वही स्टीयरिंग आपको वही लगता है जैसे बलिनो में चल रहा है आजकल, मतलब मारुति वाले का वही है। और ऐसे कुछ आपको मिलता है, ये टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है, और आपको टिल्ट में देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता, और आपको लेफ्ट साइड मिलता है इसका RPM मीटर, राइट साइड मिलता है आपको स्पीडोमीटर, बीच में मिलता है MID, क्योंकि भाई वही मतलब छोटे छोटे डिजाइन वगैरह मिलते हैं इसके अंदर। और भाई ऐसे तो भाई ऐसे कुछ आपको ऐसे बैंड दिखता है, मस्त लगता है देखने में, लुक अच्छी दे रखी है, स्पोर्टी लुक दे रखी है, जैसे देख रहे हो मतलब फील आती है कि हम कोई बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं, और आपको वही बीच में हजार लाइट देखने को मिलती है, लंबी से आपको ऐसे मिलते हैं बटन इसके, और यहाँ पे आपको AC कंट्रोल मिलता है, ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, जैसे बलिनो में आपको मिलता है ना, सॉरी वेन्यू में आपको देखने को मिलता है, ये घुमाने वाला होता है ना गेनू, वैसे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे मोड वगैरह दिए गए, यहाँ पे आपको वो दे रखा है AC ऑफ करने का, वही मतलब सारे कंट्रोल जगह जो आपको मिलते हैं, और सारा आपको मिलता है भाई हील जो होता है ना, हील वाला गाड़ी पे मतलब पार्किंग ब्रेक होता है हील वाला, और यहाँ पे भाई आपको पावर विंडो का स्विच मिलता है, इस साइड आपको मिलता है ऑटो स्टॉप का स्विच मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का, और भाई ऑटोमेटिक में आती है भाई, बाकी आपको मैनुअल भी देखने को मिलती है, ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है इस टाइम। तो भाई आप देख सकते हैं ऐसे कुछ गेयर नॉब दिखता है, ऐसे दबा के आप आराम से गाड़ी को जैसे ऑटोमेटिक में आता है, रियर न्यूट्रल मतलब सारे भाई आपको मोड मिलते हैं देखने को, उस साइड आपको मिलता है भाई अली गाड़ी 4x4 आपको देखने को मिलती है, और आपको गेयर नॉब मिलता है
टू हाई फोर लो, हाई फोर लो आपको मिलता है देखने को, प्रेस वगैरह करके आराम से आप कर सकते हैं बैग के। और भाई आपको हैंड साइड आपको कोई हमारे वगैरह देखने को नहीं मिलता, और आपको पीछे के पावर विंडो भी देखने को मिलती है। उसमें अच्छी बात भाई फाइव आपको फाइव डोर मिलती है, ये नहीं था कि अगर दो डोर मिलेगी वो बेकार लगता है भाई। मतलब गाड़ी तो बढ़िया लग रही है मुझे, और ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिलता है इसके अंदर भाई, डिसेंट ही मिलता, कोई इतना बड़ा आपको स्पेस देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आप छुटपुट भाई हल्का बहुत मतलब सामान वगैरह रख सकते हैं, फिर आपको पकड़ नहीं करते अंदर पैट दिक्कत आती है ना, तो आराम से पकड़ के अंदर बैठ सकते हैं। उस साइड आपको भी ऐसा की मिलती है बैचिंग एयर बैग, इसमें आपको टू एयर बैग मिलते हैं। तो भाई देख सकते हैं ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है, मस्त लगता है भाई देखने में ना। और इस साइड भाई यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और इस साइड आपको मिलता है ऑडियो एडजस्ट करने के ऑटो फोल्ड एंड ऑटो फोल्ड वगैरह करने का आपको मिलता है यहाँ पे ऑडियो इसका। और साइड आपको मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ करने का, तो भाई वहाँ चाहिए आपका हर गाड़ी में आ रहा है भाई, तो आपको सारे कंट्रोल वगैरह देखने को मिलते हैं। और भाई अब चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। ऊपर भाई जाने से पहले आपको दिखाते हैं, आपको कैबिन मिलते हैं, कैबिन लाइट हेलोजन में, और आई आर में बात करते हैं आपको मिलती है, मिलती है लैम्प आपको देखने को नहीं मिलता इसके अंदर, और इस साइड पर आपको वही लैम्प देखने को नहीं मिलती। अब चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। तो भाई शीशा आप देख सकते हैं, कभी काफ़ी बड़ा लगता है देखने में ना, तो शीशा भाई मस्त है। और भाई ये कुछ पता नहीं क्या है, ये पावर विंडो का स्विच आपको देखो ऐसे देखने को मिलता है, मतलब एक यूनिक डिज़ाइन का दे रखा है ऊपर नीचे भाई, मतलब मारुति वाले भी कमाल करने वाले हो रहे हैं। तो भाई अब आ चुके हैं इसकी रियर सीट की तरफ। तो भाई स्पेस की बात करें तो भाई ठीक है भैया, थोड़ी सीट आगे करने को हल्की सी, बस अपने को डिसाइड कर लिया आपने। तो भाई आप देख सकते हैं भाई ये स्पेस भी आपको काफ़ी ठीक मिलता है देखने में ना, मतलब भाई जैसे भाई ने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी, जो आगे बैठे थे तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है, तो भाई आप देख रहे हैं पीछे स्पेस भी मतलब ठीक मिला हुआ है। और यहाँ पे आपको टू कप होल्डर देखने को मिलता है इस साइड, और भाई स्पेस है आपको मतलब तीन जने तो मैं कह नहीं सकता फिट बैठेंगे भाई, दो जने के हिसाब से भाई ठीक है, तीसरे जना थोड़ा बिच जाएगा इसमें, आप देख रहे हो स्पेस मतलब थोड़ा कम है, तीन जनों के हिसाब से कम्फर्टेबल तो भाई गाड़ी है। और भाई ऐसा कुछ आपको दिखता है पीछे से डैशबोर्ड, मतलब लगता नहीं है कि भाई हम कोई मतलब ऐसी गाड़ी मतलब ऐसा लगता है कोई लग्जरी कार में बैठे हैं। और भाई यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीट देखने को मिलती है टॉप मॉडल में, और इस साइड आपको मिलता है कैबिन लाइट जो कि कंपनी वाले देते हैं भाई, मतलब वो कोई एलईडी देते नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको भी मिलता है पकड़ने वाला, और 60-40 आपको सीट 60-40 का भाई ये आधी आधी सीट मिलती है, टू सीटर कार है भाई, मतलब फोर सीटर कार है ये, पीछे आपको टू सीटर मिलती है, थ्री जो तीन जने यार बैठने में दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। अब चलते हैं भाई ये प्रोफाइल की तरफ। तो भाई ऐसे कुछ आपको मिलती है इसके लिए प्रोफाइल, भाई रियर प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में ना, और ये भाई डिजाइन अच्छा दे रखा है इसके अंदर, और यहाँ सुन तो दिक्कत क्या यहाँ पर स्केच बड़ी जल्दी पड़ेंगे इसके अंदर, और लुक दे रही है भाई गाड़ी का ना अलग ही। और टायर भाई आपको टायर इतना भाई प्रॉपर टायर मिलता है, मतलब थार से तो छोटा ही टायर है, पर हाँ ठीक है भाई टायर ना 15 इंच का यार क्या लोगे, बाकी उसमें 18 इंच का अलग भी लाते हैं। और भाई ऐसे कुछ आपको मिलता है रियर इसका वो मिरर, क्योंकि काफ़ी बड़ा लगता है लेंथ में, और यहाँ पे आपको मिलता है भैया वाइपर, फिर डिफॉकर देखने को मिलता है इस साइड, और यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉप माउंट लैंप, और यहाँ पे रियर वाइपर का जो पानी चलता है वो, इसमें कोई स्प्रे वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ वैसे ही आपको देखने को मिलता है। इस साइड आपको मिलता है एंटीना, जो एंटीना होता है वो साइड ग्रीन एंटीना नॉर्मल मिलता है आपको, ज़्यादातर बीच मिलता है आपको साइड में देखने को मिल रहा है साइड। और भाई गेट खोलने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो सब कुछ, और है गेट भाई गेट भी मतलब ठीक है बॉडी बॉडी सारा, मतलब देखो भाई ये आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है पीछे, भाई बूट स्पेस भी आपको ठीक मिलता है स्क्रीन पे शोर होगा बूट स्पेस। और भाई ये सीट को आप ना ऐसे करके मतलब इसको ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हैं सीट को, और भाई स्पेस मतलब ठीक है यार, ये आपको मतलब आफ्टर मार्केट ही होगा मेरे हिसाब से। और इस साइड आपको मिलती है टूल वूल आप देख सकते हैं भाई, पीछे आपको एसी की दिक्कत हो सकती है, आगे एसी है भाई पीछे आपको ना एसी दिक्कत है, तो भाई आपको एसी वेसी भाई आगे मिलता नहीं, मतलब दिक्कत होगी वैसे ना भाई। स्पेस तो ठीक है, यहाँ पे बूट लैम्प आपको देखने को मिलता है इस साइड जो कि हेलोजन में ही आपको देखने को मिलता है, पीछे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अब कर दो तो भाई बूट को बंद, तो भाई बूट भाई काफ़ी भारी लग रहा है यार, इसमें भाई रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने को आपको मिलता है, मतलब तीन साइड मिलता है आगे दो डोर पे और पीछे आपको रियर में देखने को मिलता है। और साइड आपको मिलता है जिम्मी की बैजिंग, मतलब पीछे आपको यहाँ पे भी आपको मिलता है क्लाइडिंग जो आपको मिलती है प्लास्टिक में देखने को मिलती है ब्लैक में, और ऐसा हेलोजन में आपको मिलती है टेल लैम्प इसकी, और हेलोजन में आपको मिलता है इसका फेयरकिंग लाइट और इंडिकेटर वाला लाइट, मतलब पीछे से लोग बढ़िया देखते हैं गाड़ी, तो भाई मस्त लग रहा है देखने में ना।
वीडियो को ये पे करते हैं एंड। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी गाड़ी। तो भाई मुझे तो अच्छी लगी गाड़ी, हमर की भाई कॉपी लगते देखने में ना, तो भाई थार से ज़्यादा तो बिकने वाली गाड़ी मुझे लगी रही है, होने वाली है। तो बताना कमेंट में कैसी लगी। तो भाई वीडियो को ये पे करते हैं ख़त्म, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।